हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो ये जो है पूछेगा एग्ज़ाम में कि ये किस भाग में है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है मूल कर्तव्य किस भाग में है। तो भाग 4 क में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 क में है। अब ये क आगे क क्यों लगा है, क्योंकि जो हमारा मूल संशोधन था, संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम पे ये मूल कर्तव्य नहीं था, तो उसमें संशोधन करके और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तो इसको बाद में जोड़ा गया, इसीलिए इसमें आगे क लगा हुआ है। तो किस भाग में है, भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। तो देखते हैं, सबसे पहले है तो मूल कर्तव्य टोटल हमारे 11 हैं। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हमारे जितने भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हमारा जो राष्ट्रीय गान, इन सबका हमें आदर करना चाहिए। ये हमारा पहला मूल कर्तव्य। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें। जितने भी उच्च आदर्श हैं जो जिससे हम राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित होते हैं, उन सबका सबको हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। अगला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण बनाए रखें। हमारी जो एकता है उसको, अखंडता है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमें अपने देश की क्या करना है, रक्षा करना है, और कभी जब कभी भी आह्वान किया जाए तो हमें राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना है। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना हो जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। जितने भी धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश है, इन सब से परे हो करके, और हमें इन सब प्रथाओं को क्या करना है, त्याग करना चाहिए। आगे है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षा करें। हमारी जो संस्कृति है उसकी महत्व को समझना चाहिए और उसका हमें रक्षा करना चाहिए। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण जो भी है हमारा, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए तथा उसके संवर्धन करें, और प्राणी मात्र के प्रति, जो भी प्राणी हैं उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। अगला हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमें अपना दृष्टिकोण हमेशा वैज्ञानिक रखना चाहिए, और ज्ञान, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना, यानी कि हमेशा हमें ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक संपत्ति से लोग क्या करते हैं कि ट्रेन हो गया तो ये होता है कि हमारा थोड़ा है तो सरकार का है, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। वो हमारा ही है, सार्वजनिक संपत्ति यानी हमारी ही संपत्ति है ना। हम हर चीज़ टैक्स देते हैं तब जा करके कोई भी चीज़ होता है। तो सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित करना हमें है और हिंसा से दूर रहना है ना। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, है ना। व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक गतिविधि हो, हमें ऐसा काम करना है कि हमारा देश जो है आगे बढ़ सके। जैसे नीरज चोपड़ा है ना, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे बहुत से लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक गतिविधियाँ करके हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और 11 नंबर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं और उनके जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु, ये जो यहाँ पे है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जो भी माता पिता हैं या फिर जो भी गार्जियन है, जो भी है, तो अपने बच्चों को 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करें। ये उनकी क्या है, मूल उनका ये कर्तव्य है। मेन हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि मौलिक कर्तव्य तो पहले था नहीं, तो कब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन
हुआ 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया तब 10 ही था, है ना, उस टाइम 10 ही था। 11वां मौलिक कर्तव्य तब कब जोड़ा गया, ये 11 नंबर मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और फिर एग्जाम में ये भी पूछेगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया, इसका उदाहरण कहाँ से लिया गया, तो USSR है ना, वहाँ से लिया गया है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।